भाइयों, हमारे जितने भी चौकीदार संघ अभ्यर्थी जो हैं चौकीदार संघ के, उन सभी भाइयों से मैं एक आग्रह करते हुए एक अपील करना चाहता हूँ, एक आवश्यक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हाई माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में हम लोगों ने केस दायर किया था इस बहाली को स्टे लगाने के लिए। तो आप सभी को मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने अपने केस को एक्सेप्ट कर लिया है और माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के आदेशानुसार हम लोगों को जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिनका सेकेंड सूची में नाम नहीं आया है, उन अभ्यर्थियों का सिग्नेचर, उनकी कैटेगरी, उनका क्रमांक, हस्ताक्षर करवा के एक आवेदन के साथ हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट कराना है। इसलिए आप सभी भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है और सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो सारे अभ्यर्थी निश्चित से निश्चित पहुंचे और आप अपना सिग्नेचर करके अपना क्रमांक इस आवेदन में जोड़े। अगर आप इस आवेदन में अपना क्रमांक नहीं जोड़ पाते हैं तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसा आदेश है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि कल 27 तारीख को मोतिहारी के स्थानीय नरसिंह बाबा का मंदिर है जो टाउन थाना के पीछे है, टाउन थाना के पीछे कहीं या गांधी संग्रहालय के पीछे एक फील्ड है, वहीं पे नरसिंह बाबा का मंदिर है। आप वहां पर निश्चित रूप से आए और अपना क्रमांक संख्या और अपना सिग्नेचर, वहां पे क्रमांक संख्या नोट होगा, सिग्नेचर कर देना है और अपनी जो कैटेगरी है जाती है एससी एसटी ओबीसी ईबीसी जनरल जो भी है वहां पर लिखा जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय को आवश्यक कागजात जो है वहां जमा कराए जाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि इसको अन्यथा ना ले, सीरियस रूप से ले और वहां पर निश्चित रूप से वहां पर पहुंचे। और कल अगर आप ये नहीं कहिएगा कि आपको जानकारी नहीं दी गई थी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ और साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं चौकीदार संघ के, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे सारे भाइयों तक यह जानकारी पहुंच जाए और सारे भाई कल नरसिंह बाबा के मंदिर में सुबह एकदम 10 बजे आप लोग सभी लोग वहां पहुंच जाइएगा। यह आग्रह है, नम्र निवेदन है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय नवयुवक सेना, जय चौकीदार अभ्यर्थी संघ।